जब भगवान ने आपके अंदर एक इतनी अच्छी बुद्धि दी है और इतना अच्छा हौसला दिया है जो हर बार आपको बोलता है कि मैं हर किसी एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या फिर राजस्थान पुलिस का हो, तो आप उस हौसले को, सच में ये हौसला ना बहुत कम लोगों के अंदर होता है। और यदि आपकी, आपके मन की यदि आत्मा आज भी आपको ये बोलती है कि जल्दी से नोटिफिकेशन आए और मैं आज भी लगातार इस वर्दी के लिए रात और दिन एक करने के लिए तैयार हूँ, तो सच मान के चलिएगा आप हर बार 100% यदि आप दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर होने वाला है। आप लगातार पूछते हैं कि सर यूपी पुलिस की नई वैकेंसी आने वाली है, उसका क्या कोई अपडेट है क्या? तो ऐसे में कि अगर मैं आपसे सच में ये पूछूं और आप अपने मन से ये पूछेगा कि यदि कल पेपर हो जाए तो क्या आज आप तैयार हैं? अगर आपको हर हालत में अगर ये वर्दी लेनी है तो क्या आप एक महीने के बाद जो एग्ज़ाम होने वाला है क्या आप उसमें बहुत बेहतर कर पाएंगे? पूछेगा। आपकी जो तैयारी रुकी हुई है सिर्फ इस वजह से कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो हम अभी तैयारी क्यों करें? ऐसा नहीं करना है आपको। आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, जब भी भर्ती आएगा तब वो आएगा। आप लगातार आज से ही अपनी आप को तैयार करें। देखो, आपको हिंदी भी कवर करना है एंड मैथ है, रीजनिंग है, जीके भी बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो ऐसे में आप चाहें कि एक महीने में बहुत कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि आप तैयारी कर लेंगे, कॉन्फिडेंस कहाँ से लाएंगे? और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आपके जो कॉन्फिडेंस है वो सिर्फ आपके प्रैक्टिस से होता है। आप पढ़ेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे बताइएगा? आपको पता हो 150 क्वेश्चन आते हैं और ये 2 घंटे का टाइम होता है, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या पढ़ेंगे? तो बस मैं कहना चाहूँगा कि चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आप मार्केट से ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से बाय कर सकते हैं। तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर बाय करें, ठीक है? उसका प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर लगाएं। आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उनके साथ में मेरे कहने पर आप इसका प्रैक्टिस सेट एक बार ज़रूर लगा करके देखें। देखिएगा सर, प्रैक्टिस करना आपको, और प्रैक्टिस में कहीं से भी कोई भी चीज़ मिल जाए और अच्छी चीज़ अगर है तो ज़रूर उसे जो बाय करके और उसका एक बार प्रैक्टिस ज़रूर लगाना चाहिए। चक्षु प्रकाशन ने बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने जो है वो इसका प्रैक्टिस सेट और साथ ही में स्टडी गाइड यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वो जारी की है। और आपको 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, 8 जो है वो सॉल्व पेपर्स मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, 2500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। ये इसके प्रैक्टिस सेट की बात है। अगर आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड लेंगे, स्टडी गाइड लेते हैं तो उसमें 5 सॉल्व पेपर मिलते हैं, 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, मतलब मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके सब में से मिलाकर के आपको जो वो 3000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि आप सबके लिए जो नई भर्ती आने वाली है उस सबके लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। जब ये खत्म करेंगे तो उसके बाद में बताऊँगा कुछ चीज़ें और हैं जिनको आप अगर कंटिन्यूस अपने साथ में रखेंगे तो वो ज़रूर जो है काम करती है। तो आप लगातार पढ़ते रहेगा, आज से ही पढ़िएगा, कल नोटिफिकेशन आए या परसों आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क पड़ता है कि आपकी तैयारी क्या कब तक तैयार हो जाएगी। आप अपने आप को तैयार रखें और हमेशा यह सोचें कि मुझे वर्दी ज़रूर मिलेगी। जब आपने ऐसा प्रण कर लिया है कि वर्दी लेकर के रहूँगा तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि आज से ही आपने पिछले एक महीने से लगातार पढ़ाई करते हैं। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं जो उनके मन बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो लाइएगा, तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है, आपके हर सवाल पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आपके बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं जिन पर वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तो उनको भी आप हल्का हल्का देख लीजिएगा, काफ़ी मोटिवेशन आपको मिलेगा, लगातार पढ़ाई करने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। जब भी वक्त मिलता है आप उन वीडियोज़ को देख करके अपने आप को ये समझा सकते हैं कि इस नौकरी को पाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा मतलब बहुत आसान है। जब आप ऐसी एनर्जी लेकर के आप तैयारी करेंगे तो बहुत कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली दूर होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप अपने माँ बाप की तरफ सोच करके आप, तो क्यों ना हम यूपी पुलिस की ही बेहतर तैयारी करें, भर्ती ज़रूर आएगा। बहुत ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट है जिनमें भर्ती आती है और आएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आप तैयारी तब करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है। हमें पता है हमारा 1.5-2 साल के बाद एग्ज़ाम होगा और हर साल एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी करता हूँ, मुझे पता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो मैंने कोई नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं किया। जब सपना सच होगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा, और सपना ज़रूर सच होगा। देखो, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, हम कोई इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, फिर भी यार कभी भी ना आज तक ये कभी नहीं सोचा कि हम बड़े से बड़े एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते, कभी नहीं सोचा। अरे पास नहीं हो पाएंगे तो फेल कहाँ हो रहे हैं, अभी भी नौकरी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों को तो कल भी पाल रहे थे आज भी पालेंगे। लेकिन जब भगवान ने आपके अंदर एक इतनी अच्छी बुद्धि दी है
और इतना अच्छा हौसला दिया है जो हर बार आपको बोलता है कि मैं हर किसी एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ। आप भी अपने आप को तैयार रखें।